दोस्तों, पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पाइप का एल्बो क्या होता है, एल्बो कितने टाइप का होता है, एल्बो रेडियस क्या होता है, एल्बो सेंटर क्या होता है, एल्बो सेंटर कैसे निकालते हैं के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं एल्बो क्या होता है। पाइपिंग सिस्टम में पाइपलाइन को एक दिशा से दूसरे दिशा में चेंज करने के लिए एल्बो का प्रयोग करते हैं। एल्बो कितने टाइप का होता है, यह जानकारी जनरली तीन टाइप का होता है, शॉर्ट रेडियस एल्बो, स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो एंड लॉन्ग रेडियस एल्बो। एल्बो सेंटर क्या होता है, जब पाइप में एल्बो फिटअप करते हैं तो एल्बो सेंटर का जरूरत होता है, क्योंकि पाइप लेंथ में एल्बो सेंटर माइनस करके पाइप का कटिंग करते हैं और उसके बाद पाइप और एल्बो का फिटअप करते हैं। एल्बो रेडियस क्या होता है, एल्बो रेडियस को डी के रूप में जाना जाता है, जो अलग अलग रेडियस का एल्बो होता है। जैसे जो 1D टाइप का एल्बो होता है वह 60 रेडियस एल्बो होता है, 1.5D का जो एल्बो होता है वह स्टैंडर्ड रेडियस का एल्बो होता है, और जो 2D का होता है वह लॉन्ग रेडियस एल्बो होता है, जो एल्बो सेंटर निकालने में डी को यूज किया जाता है। तो अब जानते हैं एल्बो सेंटर कैसे निकालते हैं। किसी भी डिग्री के एल्बो का एल्बो सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू 10 इंटू डी इंटू 25.4 इंटू पाइप का साइज इंच में। तो उदाहरण के द्वारा जानते हैं, 2 इंच पाइप का स्टैंडर्ड एल्बो 90 डिग्री का है, जिसका एल्बो सेंटर निकालना है तो फार्मूला में मान रखते हैं 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू 10 इंटू डी इंटू 25.4 इंटू 2 इंच। तो 90 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 इंटू 1.5 इंटू 25.4 इंटू 2, जो 1.5 स्टैंडर्ड रेडियस के डी का मान होता है, जो पीछे अभी देखे हैं 90 में 2 डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, और 1.5 इंटू 25.4 इंटू 2 इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 76.2 होगा। तो 45 इंटू 76.2, तो 45 का मान 1 होता है। तो 1 में 76.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76.2 आएगा, तो यह 76.2 एल्बो सेंटर हो जाएगा। आइए जानते हैं किसी भी एल्बो का रेडियस कैसे निकालते हैं। तो डी बराबर किसी भी एल्बो के एल्बो सेंटर में शॉर्ट रेडियस का एल्बो सेंटर से भाग देने पर डी का माना जाता है। जैसे डी बराबर 76 डिवाइड 25.4 इंटू 2, जिसमें 76 2 इंच एल्बो का एल्बो सेंटर है और 25.4 इंटू 2 शॉर्ट रेडियस का एल्बो सेंटर है। तो डी बराबर 1.5, जो 1.5 स्टैंडर्ड रेडियस का एल्बो होता है और यह लॉन्ग रेडियस के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ कुछ डिग्री का मान भी दिया हूँ, जिसमें जितने इंच का एल्बो रहेगा उसमें इस मान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्बो सेंटर आ जाएगा। दोस्तों, आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पाइपिंग से संबंधित किसी और चीज में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। बी केयरफुल एट वर्क प्लेस एंड टेक केयर।